मुंबई में अंधेरी के चकाला इलाके में बीती रात लैंडस्लाइड की घटना हुई। इस लैंडस्लाइड की घटना में लगभग 10 फ्लैट चपेट में आ गए। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। मुंबई के अंधेरी के चकाला में स्थित यह रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग के ठीक पास में ये पहाड़ी है। बीती रात 2:15 बजे के करीब इसी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ नीचे की ओर गिरने लगे। पहले तो लोगों को लगा कि कोई भूकंप है या कोई बड़ा हादसा हो गया, लेकिन लोगों को कुछ देर में अंदाजा हो गया कि ये लैंडस्लाइड की घटना है, जिसके चपेट में करीब इस इमारत के 10 फ्लैट आ गए। ये जो पूरी बिल्डिंग है ये 7 मंजिला बिल्डिंग है। 7 मंजिला बिल्डिंग में 168 फ्लैट हैं। इन 168 फ्लैट में से लगभग 10 फ्लैट चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए, आपको हम फ्लैट के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा फ्लैट। ये आप देख सकते हैं कि इस दीवार के ठीक पीछे पहाड़ी का हिस्सा था और लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड होने की वजह से पत्थर और कीचड़ घरों में आ गए। देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ। ये किचन का हिस्सा है और किचन का हिस्सा काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। आनन फानन में लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से कई फ्लैट हैं जिनके खिड़कियों पर बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए हैं। आपको दूसरे फ्लैट में लेकर चलते हैं और वहां दिखाते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। इस पूरे 7 मंजिला इमारत में लगभग 168 फ्लैट हैं। इस 168 फ्लैट में 10 फ्लैट प्रभावित हुए हैं। ये दूसरा घर है, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 1 BHK फ्लैट है और देखिए किस प्रकार से ये घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। अंदाजा ही नहीं मिल रहा है कि यहां दीवार हुआ करता था, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है वो अंदर घुस आया है। बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ मलबा ये घर के अंदर घुस गए हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस घर में अगर किचन के एरिया में कोई रहता तो उसे नुकसान हो सकता था, चोट पहुंच सकती थी। यही स्थिति लगभग कुल 10 फ्लैट में देखने को मिल रही है। कुछ घरों में पत्थर खिड़की के सहारे रुक गए हैं तो कुछ घरों में बड़े बड़े पत्थर जो खिड़की है उसे तोड़कर अंदर आ गए हैं। एक और फ्लैट की तरफ आपको लेकर चलते हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ। ये 1 BHK फ्लैट है। फ्लैट पूरा खाली करा दिया गया है क्योंकि यहाँ जो पीड़ित परिवार था उसने अपना घर खाली कर दिया है। किचन का हिस्सा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से मलबा घर के अंदर आ गया है और काफी ज्यादा इस परिसर में नुकसान हुआ है। 168 फ्लैट हैं। 168 फ्लैट में से लगभग 10 फ्लैट इसी प्रकार से प्रभावित हुए हैं और अब ये जिन घरों में नुकसान हुआ है ये फ्लैट खाली हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, आप कितने बजे घटना हुई थी, क्या हुआ था रात को, क्या लगा आपको जब ये पूरा आवाज आना? 2 बजे इतना जोर का आवाज आया, हम लोग सब डर गए और बच्चे सब रोने लग गए, तो हम लोग सब बाहर आ गए देखने के लिए क्या हुआ करके। तो हमसे ज्यादा तो इन तीनों का घर गिर गया था इधर सब। टोटल कितने घरों को ऐसे नुकसान पहुंचा होगा? सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे 2 घर और इधर 5 घर। 3 घर में ज्यादा हुआ है और 2 घर में वो पहाड़ आके रुक गया खिड़की पे। हम लोग का कभी भी कुछ हो सकते है, दीवार पूरा क्रैचेस आए ले। अभी ये जिनके घरों में नुकसान हुआ है पूरा, वो लोग कहाँ पर है परिवार? वो तो यही पर है। इनको शिफ्ट कर रहे हैं कहीं पे? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं बोला है वैसा। देखिए प्रशासन ये कह रहा है कि जिनके घरों का नुकसान हुआ है उनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एक घर है, एक फ्लैट है और इस घर में मलबा तो अंदर नहीं आया है, लेकिन जो अंदर की खिड़की है उस खिड़की पर आकर बड़ा सा पत्थर रुक गया है। तो ये तस्वीर है मुंबई के अंधेरी इलाके के चकाला की और यहाँ पर फ्लैट्स में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे साथ इसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, से बात करते हैं क्या हुआ था रात को। आप लोग सब पूरा परिवार सोया होगा, क्या हुआ था पूरी घटना? लगभग 1:45 के दरमियान एक वाइब्रेशन के जैसा पूरा स्पोर्ट हो गया और वॉचमैन जी और हम लोग सब लोग ग्राउंड पे रहते, तो ग्राउंड फ्लोर पे मट्टी का डिगारा और यहाँ पे डोंगर का डिगारा दीवार पे लग के यहाँ पे रूम के अंदर आ चुका है। उसी के तुरंत 10 मिनट के बाद हमारे लोकल पुलिस आधे घंटे के दरमियान फायर विकेट जो भी सहयोग है वो हो गया है। अभी BMC भी वर्कआउट कर रही है झाड़ कटिंग का और उसी के साथ साथ PWD टीम भी यहाँ पे उपस्थित हो चुकी है। कामकाज तो चालू है, मगर जो नुकसान हुआ है उस बारे में भी कुछ फैसला लिया गया कि जो परिवार है, जैसे ये घर अब फिलहाल खाली तो हो गया लेकिन ये परिवार कहाँ जाएंगे? नहीं, वो सोसाइटी और BMC का डिसीजन के बाद ही होने वाला है।
उसके बारे में डिस्कशन चालू है। लेकिन जैसे रात को ये घटना हुई, हम लोग आमतौर पर न्यूज में देखते हैं कि रायगढ़ में लैंडस्लाइड हो गया, इस जगह पे ये घटना हो गई, तस्वीरें देखते हैं बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ, आप लोग के तो ठीक पड़ोस में ऐसी घटना हो गई, डर का माहौल है बिल्डिंग में? सीनियर सिटीजन थोड़े डर गए थे, लेडीज लोग और छोटे बच्चे। रात को दोबारा 5:30 के दरमियान जो भी गिरा हुआ था उसका कुछ पार्ट और गिरने के बाद छोटे बच्चे लगभग 1-1.5 मिनट तक लोग गिर रहा था, तो छोटे बच्चे डर के नीचे आए, मगर ऑलमोस्ट सोसाइटी ने उनको रूम्स अवेलेबल किए है। पैसेज में आप देख सकते हैं उनके बैठने की सुविधा की गई है। तो ये तस्वीर है इस फ्लैट की, इस घर की, जो कि रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पर जिसे लगा हुआ जो पहाड़ी का हिस्सा है वो ढह गया और इसकी चपेट में कई फ्लैट आ गए। एक फ्लोर के करीब 5 से 6 फ्लैट आ गए, दूसरे फ्लोर के करीब 3 से 4 फ्लैट आ गए। इस तरह से लगभग 10 फ्लैट तो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वालों के बीच में भी डर का माहौल है। सवाल यह है कि जिन घरों में पत्थर आए, जिन घरों में नुकसान हुआ, अब उन परिवारों की चिंता सता रही है कि अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, वो कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे। साथ ही साथ पूरे बिल्डिंग में अब डर का माहौल है कि एक बार ये घटना हुई है इस इमारत से लगकर जो पहाड़ी का हिस्सा गिरा है, तो ये घटना फिर से हो सकती है। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।